हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम देखिए जेड आरटीआई का जो गेट है इसके बाहर है और सामने आपको दिख रहा है सुखाड़िया। यहाँ पे आपको दिखाते हैं चल के कि सुखाड़िया सर्किल क्यों फेमस है, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे आप आएंगे सड़क क्रॉस करके जस्ट आपको सामने जाना पड़ेगा, तो हम केयरफुली सड़क क्रॉस यहाँ पर कर लेते हैं। बाहर निकलोगे ना यहाँ पर देखिए ये मोहनलाल सुखाड़िया जो है उनकी यहाँ पे एक स्टैचू लगाई गई है। और इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ना ये बिल्डिंग है बहुत बड़ी, मैं आपको है ना बहुत बड़ी है और इसका नाम स्काई मरीना है। बहुत बड़ी ये होटल है यहाँ पे रुकने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये है आपका सुखाड़िया सर्किल। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, क्या यहाँ पे इनके चार्जेस लगते हैं, इनके बारे में बताएँगे। और यहाँ पर देखिए ये दरी है जेड आरटीआई जो है इसकी, यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल है, यहाँ से आपके शुरू हो रही है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे गेट हैं जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हॉर्स राइडिंग भी है, कैमल राइडिंग भी है, जो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे एनी टाइम अवेलेबल होती है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कॉप्स, मैंने बहुत बार देखी है यहाँ पर, एनी टाइम यहाँ पर खड़ी रहती है। तो चलिए अंदर चलते हैं। देखिए हम यहाँ से एंट्री ले चुके हैं, बहुत सारे गेट हैं, शायद इसमें कुछ 3-4 गेट हैं जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आप आएँगे तो एक प्यारा सा गार्डन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और ये गार्डन जो है इसके अलावा यहाँ पे देखिए जैसे हम चलते हैं तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे आप जो है एक हल्का खाना खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं, राजस्थानी जो वेशभूषा है वो पहन के आप जो है यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर बोटिंग करनी है तो बोटिंग के लिए देखिए मैं आपको प्राइजेस यहाँ पर दिखा दूँ। 2 सीटर एंड 4 सीटर यहाँ पर देखिए, 2 सीटर के लिए यहाँ पर चार्जेस हैं 100 रुपये 2 पर्सन के लिए और 200 रुपये 4 पर्सन के लिए। यानी कि आप बोलेंगे तो भाई 50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर है। और जब आप यहाँ पे जो भी है पैसे जमा कराते हैं उसके बाद आपको अलग अलग सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको लाइन में लगना पड़ता है। और ये बोट है जहाँ पे आपको खुद को ड्राइव करना पड़ता है। 2 कैपेसिटर है और 4 कैपेसिटर दोनों यहाँ पर हैं। और ये एक प्यारा सा तालाब बना हुआ है, पॉन्ड बनाया गया है जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं खुद ही। और इसकी डेप्थ जो है ना वो डेप्थ जो है तकरीबन 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए, इतनी है जिसमें आप पैरों के मदद से इसमें बोटिंग कर सकते हैं। इसके उदयपुर में आप आएंगे तो सुखाड़िया सर्किल आप जैसे बोलेंगे तो कोई भी आपको यहाँ पे छोड़ देगा। उधर सामने की तरफ आपको दोस्तों जो दिख रहा है दोस्तों वो है रिलायंस मॉल स्मार्ट बाज़ार जिसको बोलते हैं, सामने की तरफ है आप जाएंगे तो। और यहाँ पर देखिए ये एक शानदार नज़ारा जेड आरटीआई उदयपुर के सामने। जगह जगह सीटिंग है जहाँ बैठ सकते हैं और ये हमारे 4 दोस्त हैं सारे पॉइंट्समैन जो यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं गार्डन में। देखो शानदार नज़ारा है ग्राउंड का, आप आएंगे तो आप देख सकते हैं जो है ना पार्क जो उद्यान है जो भी आप बोले इसका नज़ारा है ना वाकई शानदार है। मतलब आप जब थक गए हों, जब आपका मन नहीं लग रहा है हॉस्टल के अंदर, तो आप यहाँ आके ना थोड़ी शांति अनुभव कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और नज़ारा भी शानदार है। और यहाँ पर ना आपको उदयपुर की जो सुंदरता है वो देखने को यहाँ पर मिल जाती है। इधर आपको ना कैंडी भी खाने को मिल जाएगी, इधर बोटिंग का ना अलग ही मज़ा है। इधर आप खुद से कीजिए, एक दूसरे को टक्कर मारिए। यहाँ पे देखिए एक तरह से ना ये जब जाम हो गए हैं। साथियों जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो जैसे देखिए यहाँ पे ना एक जो सर्किल है जैसे सर्किल मूव कर रहा है ना वैसे वैसे आपको इधर फास्ट फूड के इतने सारी स्टॉल्स मिल जाएंगी जिनकी कोई गिनती नहीं है। मतलब जैसे जैसे आपका सर्किल जहाँ से घूम रहा है ना वहीं से मैं देख रहा हूँ, वहाँ से देखिए आप देखेंगे तो इधर ना आपको फास्ट फूड ही फास्ट फूड के पूरे सर्किल के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको ये एकदम सीक्वेंस में पूरे बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर मिल जाएंगे।